महान अभिनेता ओम प्रकाश, जन्म 19 दिसंबर सन 1919 लाहौर में हुआ। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये तीन भाई और एक बहन थे और ओम प्रकाश साहब बचपन से ही मस्त मौला रहे। इन्होंने अपने जीवन का पहला किरदार निभाया था रामलीला में, जिसमें ये सीता बने थे। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक था और तकरीबन 12 साल तक इन्होंने अपने गुरु भाई लाल से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। भजमल राम रहीम, राम रहीम, कृष्ण करीम। इनके पिता अच्छे खासे रईस इंसान थे। इनकी काफी जायदाद थी लाहौर और जम्मू में। चूंकि घर से किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, इसलिए ओम प्रकाश कला में ही अपना दिल लगा बैठे। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 2-2 लाख आदमियों के सामने लाउड स्पीकर के बगैर लेक्चर देता था और एक एक कान तक मेरी आवाज इस तरह जाती थी जैसे कि अभी तुम्हारे कान में जा रही। ऑल इंडिया रेडियो में ये बतौर एक्टर और सिंगर शामिल हो गए। तब इनकी तनख्वाह 25 रुपए महीना हुआ करती थी। ये शौकिया तौर पे नाटक भी लिखते थे और सारे डायलॉग्स भी यही लिखते थे। ऑल इंडिया रेडियो में ये फतेहदीन के नाम से काफी मशहूर हो गए थे। घर घर में फतेहदीन के चर्चे हुआ करते थे। हम क्या किसी कर्नल या जर्नल से कम हैं? सलामत रहे जवानी, जवानी कसम, अब भी जिधर से गुजर जाऊं पहलवान रास्ता छोड़ दे। ऑल इंडिया रेडियो में ही इनकी मुलाकात डायलॉग डिलीवरी के उस्ताद सैयद इम्तियाज अली से हुई, जो खुद एक बहुत ही जबरदस्त लेखक थे। फिल्म अनारकली उन्होंने ही लिखी थी। ऑल इंडिया रेडियो से ओम प्रकाश ने रिजाइन कर दिया। वजह ये कि इन्हें मात्र 40 रुपए मिल रहे थे और बाकी के लोगों को ज्यादा पैसे। हमारा इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? तुम्हें इज्जत का फिक्र है? जिसको इज्जत का फिक्र होता है वो सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, दिन रात बॉटल में बंद नहीं रहता। ए मार्गरेट, ये क्या बात हुआ? जब देखो दुनिया का कोई बात हो, घूम फिरा कर तुम हमारा बॉटल पे खत्म करता भाई। अब बात यहाँ आती है कि ये फिल्मों में कैसे आ गए। जैसा कि कहा गया कि ये खुद बड़े ही मस्त मौला इंसान थे, तो एक पार्टी में ये सब लोगों को हंसा रहे थे, डांस कर रहे थे, जहां एक बड़े ही जबरदस्त प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली की नजर ओम प्रकाश पर पड़ी। शादी के फंक्शन के बाद ओम प्रकाश जम्मू चले गए, जहां पर इन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि फौरन लाहौर आ जाओ, भेजने वाले का नाम पंचोली। ओम प्रकाश साहब को लगा कि ये कोई मजाक है, पर इनके रिश्तेदारों ने कहा कि जाना जरूरी है और जाओ। आप भी इतना समझने, मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। स्टेशन पर पहुँच कर ओम प्रकाश जी ने दलसुख पंचोली को फोन किया और कहा कि मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया है। दूसरी तरफ से पंचोली साहब ने कहा कि मैं किसी ओम प्रकाश को नहीं जानता। ये सुनते ही इनका दिल टूट गया और अब अपना समय बिताने के लिए ये अपने कुछ दोस्तों से मिले और अपनी पसंदीदा पान की दुकान पर खड़े हो गए, जहां पर इनकी मुलाकात प्राण साहब से हुई। प्राण साहब ने इनसे कहा कि हाँ, पंचोली साहब ने आपको बुलाया जरूर था, लेकिन वो किसी ओम प्रकाश को नहीं जानते। उसकी वजह ये कि आपका रेडियो नाम तो फतेहदीन है और वो फतेहदीन की ही उम्मीद कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे मिले और बताएं कि फतेहदीन और ओम प्रकाश एक ही इंसान हैं। बात यह है कि इस पापी संसार से मेरा दिल भर गया है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। और यहां से ओम प्रकाश साहब ने फिल्मों में अपने एक्टिंग के सफर की शुरुआत की। पहली फिल्म रही दासी और उसके बाद इन्होंने फिल्म धमकी में काम किया, जहाँ पे लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है। फिल्मों में ओम प्रकाश का करियर जम रहा था, तभी एक भारी त्रासदी ने लाखों लोगों को चोट पहुंचाई। भारत का विभाजन हो गया, लाहौर में दंगे शुरू हो गए और किसी तरह से ये अपनी जान बचाकर बॉर्डर पार कर सके और हिंदुस्तान पहुंच गए। खूब याद दिलाया, वो अपना हनुमान प्रसाद वहाँ रहता था ना, चौक में बजाजी की दुकान थी कपड़े की, है और क्या बिक्री थी उसकी, बड़े जोरों का काम था। ना जाने कमबख्त को क्या सूझी, वतन छोड़कर रंगून चला गया। मुंबई में मुफलिसी की हालत में ओम प्रकाश रहने लगे। यहाँ पर इन्हें जलंधर रेडियो से ऑफर तो आया था, पर यह निर्णय इन्होंने लिया कि ये अब मुंबई में ही रहेंगे। ये अपने परिवार से दूर थे और हमेशा अपनी बीवी को चिट्ठियाँ लिखा करते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुफलिसी का हाल ये था कि तकरीबन 3 दिन तक ओम प्रकाश भूखे रहे और बेहोश होकर गिर गए। जब इन्हें होश आया तो इन्हें ये डर सताने लगा, कहीं मैं दोबारा बेहोश ना हो जाऊं। मुंबई शहर के एल्फिंस्टन होटल में ये पहुंच गए, जहां पर इन्होंने बिरयानी, चिकन मसाला और लस्सी ऑर्डर की। तकरीबन बिल बन गया 16 रुपए का। इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और ये पहुंच गए मैनेजर के पास और कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 3 दिन से भूखा था, पर मैंने यहाँ पर खाना खा लिया है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ
जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। मैनेजर को गुस्सा तो बहुत आया पर ओम प्रकाश को जाने दिया गया। हम प्रॉमिस करता है हम तुमको सोने का घड़ी देगा, तुम्हारा मम्मी का मॉबिक फॉरेन। रियली डैडी? ओह डैडी, थैंक यू डैडी। किस्मत की बाजी पलटी और इन्हें डायरेक्टर जयन देसाई ने अपनी फिल्म में बतौर विलेन साइन कर लिया। 5,000 रुपए महीने के लिए इन्हें साइन किया गया था और 1,000 रुपए का एडवांस चेक इन्हें मिला। इन्होंने फौरन चेक भुनाया और एल्फिंस्टन होटल में जाकर उस मैनेजर को पैसे दिए। हालांकि वो मैनेजर इन्हें पहचान नहीं पाया पर इन्होंने वो 16 रुपए का उधार जरूर चुका दिया। अरे यार और क्या करता, कभी कभी दिल के किसी कोने में छुपी हुई ये इंसानियत जाग उठती है। धीरे धीरे ओम प्रकाश साहब की जिंदगी से मुफलसी का दौर गायब होने लगा और इन्होंने अपनी बीवी, अपने भाई और उनके बच्चों को बम्बई बुला लिया। ओम प्रकाश साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर्ड सिनेमा तक का दौर देखा। दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद की प्रसिद्धि देखी तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम भी। लोग उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं मगर ये रिवर्स में जावे है। फिल्म किसी भी तरह की क्यों ना हो, कॉमेडी हो, संजीदा हो या फिर एक मसाला फिल्म, ओम प्रकाश साहब जो भी किरदार निभाते उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते। वजह इनका अभिनय और इनकी मुख्तलिफ आवाज। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई होटल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है। सिर्फ अभिनय में ही इन्होंने अपना हाथ नहीं आजमाया बल्कि इन्होंने फिल्म्स डायरेक्ट भी की। कन्हैया और गेटवे ऑफ इंडिया ऐसी फिल्में रहीं। ओम प्रकाश साहब ने एक नई चीज की शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो ये किसी किसी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाते ये नजर आते और यही अंदाज आगे जाकर गेस्ट अपीयरेंस कहलाने लगा। शेर अर्ज़ है कि तुम हो क्वीन और मैं हूँ किंग, कब मिलोगी डार्लिंग, हाय हाय क्या काफिया मिलाया है। ओम प्रकाश साहब और उनकी बीवी प्रभा के खुद के तो कोई बच्चे नहीं हुए पर अपने छोटे भाई के बच्चों को ही इन्होंने अपने बच्चों की तरह माना। इन्होंने कुछ बड़ी अनोखी फिल्म्स भी प्रोड्यूस की जिसमें प्रदीप कुमार और अनिता गोहा स्टारर संजोग का नाम सामने आता है। भारत भूषण और माला सिन्हा स्टारर जहां आरा भी एक फिल्म रही। सन 1958 की फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया और सन 1958 की ही एक बड़ी अनोखी फिल्म जिसमें राज कपूर और नूतन मुख्य भूमिकाओं में थे, नाम कन्हैया, इसे कौन भूल सकता है। ओम प्रकाश साहब की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जहां पर इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। वजह यह कि एक एक करके इनके परिवार के लोग ये दुनिया छोड़कर जाते रहे और इनके जीवन में जब खुशी ही नहीं रही तो इनके लिए एक्टिंग में भी कोई मजा नहीं रहा। 21 फरवरी सन 1998 में ओम प्रकाश साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओम प्रकाश साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी।